सिटी ट्रैफिक पुलिस हेलमेट की पाबंदी पर अमल दरामद करवाने के लिए मुतहरिक। सख्त पाबंदी के पेश नज़र हेलमेट की मांग में इजाफा। शाहराहों और गलियों में जगह जगह हेलमेट रोक होने लगे। मांग बढ़ी तो कीमतें भी बढ़ गईं। गैर मेयारी 300 रुपए वाले हेलमेट से लेकर ग्राम फरोशी की हदों को चूते 3000 रुपए वाले हेलमेट भी मंजरे आम पर आ गए। 350, 450, 450, 450 अच्छा वाला हेलमेट है भाई। पर अवाम ने कीमतों में इस गैर मामूली इजाफे को नामंजूर करार दे दिया। हेलमेट भी तो सस्ता करे, ये तो नहीं कि जिसके पास 1000 रुपए चलान देने के लिए नहीं है वो 1600 हेलमेट कहाँ से खर्चेगा। ये कहाँ का इंसाफ है? जिस गरीब के आमदन 400 रुपया वो 1600 रुपए का हेलमेट कहाँ से खरीदेगा? वो अपने घर में दाल रोटी लेके जाएगा कि सड़कों पे खड़ा होकर हेलमेट खरीदेगा? दूसरी जानिब रेड़ी पर सब्जियों की जगह हेलमेट प्रोक करते रेड़ी बांध का कहना था कि तलब में इजाफा होने से कीमतें बढ़ गई हैं। महंगा खरीद कर सस्ता कैसे बेचे? मुझे महंगा मिल रहा है तो मैं महंगा बेच रहा हूँ। मैं 100 रुपए हाँ कलार कमा रहा हूँ, इससे ज्यादा नहीं कमा रहा हूँ। सिर्फ 100 रुपए मुझे मिलता है ये, क्योंकि ये पहला मार्ट 100 रुपए का बेचा रहा, अभी हमें 1100 का मिलता है, मैं 1200 का बेचता हूँ। तलब और रसद में ये अदम तवाज़ुन आम शहरी के लिए महंगाई के एक नए तूफान का बाइस बन गया है। हेलमेट पाबंदी के बाद जहां पर शहर की गलियों और सड़कों पर सब्जियां फरोख की जाती थी, आज उन्हीं रेहड़ियों पर हेलमेट फरोख किए जा रहे हैं। कैमरामैन फैसल के साथ अरसलान हैदर, लाहौर न्यूज़।